हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे हलवाई वाली सफ़ेद खोया बर्फ़ी। और ये बर्फ़ी हर किसी को काफ़ी पसंद होती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है, और इसे बनाना तो बिल्कुल आसान है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक नॉनस्टिक कढ़ाई। नॉनस्टिक कढ़ाई का ये फ़ायदा होगा कि दूध बिल्कुल भी तली में लगेगा नहीं, और बिल्कुल आराम से हम खोया बना सकते हैं। तो नॉनस्टिक कढ़ाई लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध। और यहाँ पे मैंने बफेलो मिल्क का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास फुल फैट दूध नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल दें। और इस स्टेज पे गैस का फ्लेम रखेंगे हाई, और हाई फ्लेम पे हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये दूध हमारा हाफ रिड्यूस ना हो जाए। हाई फ्लेम पे आप इसे लगातार चलाते हुए पकाएं, बिल्कुल भी बीच में छोड़े ना। और इसी तरह से लगातार हम चलाते हुए पकाएंगे। इसे कम से कम 8 से 10 मिनट लगते हैं हाफ रिड्यूस होने में। दूध हाफ रिड्यूस होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर, साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद गैस का फ्लेम कर लेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए पकाएंगे। और अब हम इसे तब तक पकाना है जब तक हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। और ये देखिए, मुझे इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट हुए, और 3 से 4 मिनट के बाद काफ़ी दूध ठीक हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद गैस का फ्लेम कर लेंगे लो, और आगे हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। और अब हम इसे लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल डो की फॉर्म में ना आ जाए और पैन छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। तो इसी तरह से चलाते हुए इसे लो फ्लेम पे पकाएं। और ये देखिए, लो फ्लेम पे मुझे इसे पकाते हुए कम से कम 10 मिनट और हो चुके हैं। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल ये डो की फॉर्म में आ चुका है, और बिल्कुल अच्छी तरह से पैन छोड़ना स्टार्ट करते हैं। और अब हम करेंगे इसे चेक, और चेक करने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पे ले इस तरह से, और उंगली से थोड़ा सा घुमा कर देखें। अगर ये उंगली से बिल्कुल भी नीचे पक रहा है तो ये जमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। और गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इस तरह से एक प्लेट लेंगे, और इस पर थोड़ा सा घी लगा के इसे कर लेंगे ग्रीस। प्लेट को ग्रीस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने खोया बनाया था उसे कर लेंगे एक बार अच्छे से मैश इस तरह से। आप चाहे तो हाथों से अच्छी तरह से इसे मैश कर सकते हैं। अच्छे से मैश करने के बाद खोए को हम रखेंगे प्लेट पे। प्लेट पे खोए को फैला लेंगे ताकि हमारी जो बर्फी अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इस पे डाल देंगे थोड़े से पिस्ता। पिस्ते से काफ़ी अच्छी लुक आती है बर्फी की। और थोड़ा सा कर देंगे इसे प्रेस ताकि बिल्कुल अच्छे से पिस्ता इसमें सेट हो जाए। और अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि बर्फी अच्छे से हो जाए सेट। और ये लीजिए, 1 घंटा हो चुका है। और 1 घंटे के बाद अब हम करेंगे इसे कट। जिस भी शेप में आप इसे कट करना चाहें उस शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो बिल्कुल आसान है बर्फी को बनाना। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।